हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, मोटिवेटर, प्रोफेसर, एजुकेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं 10वीं कक्षा का विज्ञान का पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं या समीकरण, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया भी है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है कि इसमें एक अभिकारक होता है, एक अभिकारक और दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। यानी अभिकारक का मतलब है रासायनिक क्रिया में केवल एक अभिकारक भाग लेता है, एक यौगिक भाग लेता है, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसमें से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, इसमें ऊष्मा खर्च होती है, ऊष्मा खर्च होती है या प्रकाश खर्च होता है। यानी इस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा की खपत होती है, प्रकाश की खपत होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे कि फेरस सल्फेट को यदि ऊष्मा दे दी जाती है तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। यानी फेरस सल्फेट जो एक सॉलिड है, तो इसको ऊष्मा दे दी जाती है तो ये तीर के निशान के ऊपर मैंने लिखा है ऊष्मा। इसका मतलब क्या है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा खर्च हो रही है। और क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड, और क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अपनी परिभाषा क्या थी, एक अभिकारक है, ऊष्मा खर्च होती है और दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहे हैं, तो इसलिए ये वियोजन की अभिक्रिया है। तो अन्य एग्जाम्पल है इसके, सीमेंट निर्माण में, यानी सीमेंट के निर्माण में वियोजन अभिक्रिया का ही प्रयोग होता है। तो उदाहरण के लिए इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट नामक एक ठोस पदार्थ लिया जाता है तो उसको ऊष्मा दी जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर पत्थर भी कह सकते हैं, संगमरमर या चूना पत्थर। तो कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो इस प्रकार सीमेंट निर्माण में भी वियोजन की अभिक्रिया का इस्तेमाल होता है। कैसे, कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट नामक एक अभिकारक लिया था जिसको ऊष्मा दी और वो दो अभिकारकों में टूट गया, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी दो उत्पादों में कन्वर्ट हो जाता है। एक अभिकारक दो अभिकारकों में कन्वर्ट हो गया,
ऊपर वाली क्रिया में एक अभिकारक है, तीन उत्पादों में कन्वर्ट हुआ, तो इसलिए ये सभी क्या है, ये वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। तो अगला जो स्टेप है वो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो जैसा नाम से पता चल रहा है ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा को शोषित करने वाली अभिक्रिया, यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा खर्च होती है, जिस अभिक्रिया में ऊर्जा की खपत होती है, उसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो ऊपर की जो ये दोनों क्रियाएं हैं, यानी फेरस सल्फेट को ऊष्मा दे दी, दूसरी क्रिया में हमें कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दे दी, यानी इनमें ऊष्मा क्या हो रही है, ऊष्मा का शोषण हो रहा है, ऊष्मा खर्च हो रही है, ऊष्मा की लागत हो रही है, तो इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। तो अगला जो स्टेप है वह विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। तो जैसे नाम देखिए विस्थापन, यानी इसमें स्थान बदलता है, एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें स्थान बदलता है, किसका स्थान बदलता है। एग्जांपल्स के रूप में हम देखेंगे कि फेरस और कॉपर सल्फेट, फेरस कॉपर सल्फेट ये दोनों मिलकर क्रिया करते हैं और क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर बन जाता है। तो इस एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं, फेरस और कॉपर सल्फेट की क्रिया होती है, तो यहाँ पे फेरस ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर की जगह पे फेरस आ जाता है, तो इसकी जगह पे फेरस आने से क्या बन गया, फेरस सल्फेट, और कॉपर अलग चला जाता है, यानी कॉपर की जगह पे कौन आ जाता है, फेरस आ जाता है। तो यहाँ फेरस आ जाता है तो फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो जाती है। तो इस एग्जांपल से हम परिभाषा लेकर आए क्या, कि एक तत्व, एक ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है, यानी जब एक क्रियाशील तत्व, और वो तत्व क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है, उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो इस एग्जांपल में क्या है, फेरस ने कॉपर को इसकी जगह से दूर कर दिया, कि कॉपर है ना सल्फेट के साथ आया था यहाँ पे, लेकिन क्रिया होने के बाद क्या है, सल्फेट के साथ देखो कौन आया है, फेरस, तो कॉपर कहाँ गया, कॉपर अलग हो गया, तो इस फेरस ने किसकी जगह छीन ली, कॉपर की, तो इसलिए शक्तिशाली कौन हुआ इसमें, तो फेरस शक्तिशाली है, कॉपर कम शक्तिशाली था, तो इसलिए शक्तिशाली या ज्यादा क्रियाशील फेरस ने कम क्रियाशील कॉपर की जगह ले ली और इस क्रिया को अंजाम दे दिया, इस क्रिया का नाम है विस्थापन। उसके बाद अदर एग्जांपल है जिंक और कॉपर सल्फेट, ये दोनों मिलकर क्रिया करते हैं और क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। तो यहाँ भी हम देखेंगे सल्फेट के साथ यहाँ कॉपर आया है, तो जिंक ने कॉपर को अलग कर दिया और सल्फेट के साथ खुद आ गया, यहाँ पे देखिए जिंक सल्फेट बन गया, यानी यहाँ कॉपर था तो कॉपर अलग हो गया, जिंक यहाँ पे आ गया, तो इस प्रकार यहाँ जिंक ने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को अपनी जगह से भगा दिया, तो इसलिए जिंक कॉपर से क्या है,
ज्यादा क्रियाशील है। तो इन दोनों क्रियाओं में हम देखते हैं कि इस क्रिया में फेरस है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील और दूसरी क्रिया में जिंक है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो इस अभिक्रिया में अभिकारक आपस में एक दूसरे से आयनों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? अभिकारक हैं जो, वो आपस में एक दूसरे से आयनों का आदान प्रदान करते हैं। यानी द्वि का मतलब है दोहरा, विस्थापन का मतलब है स्थान बदलना। यानी दो तत्व आपस में स्थान बदलते हैं। यानी इसमें दोहरा विस्थापन का मतलब है कि एक तत्व दूसरे की जगह, दूसरा तत्व दूसरे की जगह चला जाता है। तो यहाँ दो बार स्थान बदली होती है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ये दो यौगिक मिलकर अभिक्रिया करते हैं और क्या बनता है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम बेरियम की जगह चला जाता है। यानी सोडियम कहाँ चला जाता है? बेरियम की जगह। और बेरियम किसकी जगह ले लेता है? सोडियम की जगह ले लेता है। तो इस तरह अभिकारकों में सोडियम के आयन है जो बेरियम के आयन की जगह ले लेते हैं, बेरियम के आयन है जो सोडियम आयन की जगह ले लेते हैं। तो इस तरह से अदला बदली होती है। तो सोडियम की जगह पे बेरियम आ जाता है तो बेरियम सल्फेट बन जाता है, और बेरियम की जगह पे सोडियम चला जाता है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो बेरियम सल्फेट है जो, वो हमें अवक्षेप के रूप में मिलता है, अवक्षेप के रूप में, और इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। तो आगे फिर हम देखेंगे अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप किसको कहते हैं? अवक्षेप यानी जो पदार्थ, अवक्षेप क्या होता है? जो पदार्थ है जल में अविलेय रहता है, यानी जल में नहीं घुलता, जो पदार्थ जल में नहीं घुलता उसको हम अवक्षेप कहते हैं। उसके बाद इसी से परिभाषा निकल के आई है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? यानी ऐसी क्रिया जिसमें अवक्षेप बनते हैं, जिसमें अवक्षेप बनते हैं, जिसमें अवक्षेप बनता है। तो जिसमें अवक्षेप बनता है उसको क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। उदाहरण क्या है? ये ऊपर वाली क्रिया में देख लीजिए, ऊपर वाली क्रिया में अवक्षेप बनने लग रहा है तो ये अवक्षेपण की अभिक्रिया भी है। यानी दोहरा विस्थापन तो है ही है, साथ में अवक्षेपण की भी अभिक्रिया है ये। तो उसके बाद अगला जो स्टेप है उपचयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उपचयन। तो इसको हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ भी नाम से पता चल रहा था द्वि विस्थापन, दो तत्व स्थान बदलते हैं, अवक्षेपण है, नाम से पता चलता है अवक्षेप बनते हैं, उपचयन या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है जो ऑक्सीजन से बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। यानी जब किसी पदार्थ में अभिक्रिया करते वक्त ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाती है तो उसको हम उपचयन की क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कॉपर को हम गर्म करते हैं तो वायु में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाती है,
तो तीर के निशान के ऊपर तापन लिखा है क्योंकि हम कॉपर को हीट देते हैं, गर्म करते हैं, ऑक्सीजन मिल जाती है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, यानी ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ी है तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन यानी उपचयन की क्रिया है। कॉपर ऑक्साइड बनता है और इसका रंग काला होता है। तो इस तरह से जब ऑक्सीजन बढ़ती है, ऑक्सीजन मेल करती है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। इसकी विपरीत क्रिया है जो अपचयन, यानी इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। इस क्रिया का नाम क्या है? रिडक्शन। तो रिडक्ट होती है, रिडक्ट का मतलब कमी होना, यानी इस क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलकर बाहर जाती है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी आती है इसमें, तो वहां पे अपचयन की क्रिया होती है। तो जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखें, इस क्रिया से कॉपर ऑक्साइड बना था, अभी ये गर्म है कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि गर्म किया गया था, गर्म है कॉपर ऑक्साइड जो काले रंग में बदल चुका था, तो अब इसमें हाइड्रोजन गैस गुजारते हैं। कॉपर ऑक्साइड में से क्या गुजारते हैं? हाइड्रोजन गैस। तापन का मतलब अभी ये गर्म अवस्था में है, तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही गुजारी तो हाइड्रोजन गैस ने कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीन लिया और क्या बना दिया? H2O पानी, और कॉपर अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन गायब हो गई और यहाँ पे केवल कॉपर रह गया। यहाँ पे आप देख रहे थे कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ी है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकली है, तो निकली है तो ऑक्सीजन की मात्रा घटी है। तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? ऑक्सीजन ह्रास हुआ है, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। हाइड्रोजन के साथ में क्या है? ऑक्सीजन का मेल हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। और कॉपर ऑक्साइड जो पहले काले रंग का था वो क्या है? भूरे रंग का हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? उपचयन प्लस अपचयन, यानी जिस अभिक्रिया में ये दोनों क्रिया मिली हुई हो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखा, इसमें उपचयन भी था और अपचयन भी था। एक एग्जांपल और देखते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन लॉस हो जाता है, जिंक रह जाता है, और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन मेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, तो इसलिए यहाँ रिडक्शन है। कार्बन के साथ में ऑक्सीजन मेल कर रहा है, इसलिए यहाँ ऑक्सीडेशन है। तो अगला पॉइंट है संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है? जब हम किसी धातु को पर्यावरण के अंदर खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है? वो धातु है जो संक्षारित होना शुरू हो जाती है, तो इसको हम संक्षारण की क्रिया कहते हैं। तो उससे उस धातु का रंग बदल जाता है, उसमें तरह तरह के परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोहे के बर्तनों या लोहे की चीज़ों के ऊपर है भूरे रंग की ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसको हम जंग लगना कहते हैं। तो जंग लगना क्या है? जैसे ही लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या है? फेरस ऑक्साइड की परत बन जाती है, जो लालिमा युक्त भूरे रंग की होती है, उसको हम जंग लगना कहते हैं। तो इसी प्रकार चांदी के ऊपर क्या है? चांदी के ऊपर काली रंग की परत चढ़ जाती है, और तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। कब? जब हम चांदी को पर्यावरण में यानी वायु के संपर्क में छोड़ते हैं, जब तांबा पर्यावरण में विद्यमान
वायु के साथ है, क्रिया करता है तो वायु के अंदर ऑक्सीजन होती है तो इसे कोप्रोक्साइड बन जाता है जो हरे रंग का होता है। तो इस तरह से धातुओं के ऊपर हम दूसरी धातु की परत चढ़ाकर उनको संसारित होने से बचा सकते हैं, उनके ऊपर इनेमल या पेंट वगैरह लगाकर उनको संसारित होने से हम बचा सकते हैं ताकि वो डायरेक्ट वायु के संपर्क में ना आए, और वायु के संपर्क में आने से उन पे तरह तरह के परिवर्तन हो जाते हैं और वो धीरे धीरे धातु कमजोर हो जाती है। तो अगला पॉइंट है विकृत गंधिका। तो जैसा नाम देखिए, विकृत का मतलब है दोषपूर्ण, गंधिता का मतलब है स्वाद या गंध, यानी कोई भी वसा युक्त, चिकनाई युक्त या तेलीय पदार्थ की जब गंध या स्वाद बदल जाता है तो उसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो कई बार हमने देखा होगा जब हम घर में कोई चिकनाई युक्त पदार्थ बनाते हैं या कोई वसा युक्त पदार्थ हम बनाते हैं, कोई तेल से कोई चीज बनाते हैं, और वह कुछ ही देर में या कुछ घंटों में खराब हो जाती है, उसकी गंध बदल जाती है, उसका स्वाद बदल जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ऑक्सीजन के मेल से होता है, यानी जैसे ही वो चीज हम खुली छोड़ेंगे तो वायु लगेगी, वायु के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो जैसे ही वसा युक्त और तेलीय पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाता है, इसको विकृत गंधिता कहते हैं, यानी दोषपूर्ण गंध और दोषपूर्ण स्वाद हो जाता है उसका। तो इसको कैसे रोक सकते हैं? इसको वसा युक्त और तेलीय पदार्थ में प्रति आपसी कारक मिलाकर, दूसरा वसा या तेलीय पदार्थों को वायु रोधी बर्तनों में डालकर, ऐसे बर्तन में डालिए जहां वायु ना लगती हो। उसके बाद तीसरा जो बचा हुआ वो क्या है, तेलीय या वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त कर दें, नाइट्रोजन से युक्त कर दें ताकि वो लंबे समय तक खाने योग्य बने रहें। जैसे एक नोट करने योग्य बात है, चिप्स की थैली, तो ये भी क्या है, वसा युक्त और तेलीय पदार्थ है क्योंकि ये तली हुई चीज है, तो तली का मतलब तैली है। तो यदि इसमें नाइट्रोजन नहीं डालेंगे तो जल्दी ही इनका स्वाद खराब हो जाता है, तो चिप्स की थैली को नाइट्रोजन युक्त करके इसको लंबे समय तक बचाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो ये लेसन हमारा यही समाप्त होता है।